30 अक्टूबर को विशाल कपले की हत्या के बाद 31 अक्टूबर को अकोला में फिर एक हत्या की वारदात हुई और इस हादसे के बाद से पूरे अकोला शहर में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि अकोला में हमजा प्लांट में अमीन खान पर चाकू से जानलेवा हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया जहां पर डॉक्टरों ने मृत उसे घोषित कर दिया। महाराष्ट्र के अकोला में 2 दिन में 2 हत्या की घटनाओं से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। 30 अक्टूबर को विशाल कपले की हत्या के बाद 31 अक्टूबर को अकोला में फिर एक हत्या हुई और इस हत्या के बाद से पूरे अकोला शहर में हड़कंप मच गया। एक हत्या की वारदात हुई है, उस हादसे के बाद से पूरे अकोला में हड़कंप है। जूना शहर के थानेदार सेवन वानखेड़े व उनके दल ने घायल व्यक्ति को तुरंत जिला सरकारी अस्पताल रवाना किया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कल रात में करीबन 8:15 के करीब हमको कॉल आया कि हमजा प्लॉट में हमलावर ने एक व्यक्ति पर हमला किया। हम तुरंत स्पॉट पे पहुँचे। स्पॉट पे पहुँचने के बाद हमलावर तो भाग गया था, लेकिन जो जख्मी था वो पड़े हुआ था, उसको हॉस्पिटलाइज किया। स्पॉट पे एसपी सर, एडिशनल एसपी मैडम, एसडीपीओ सर, पूरा स्टाफ पहुँचा। हॉस्पिटल में जो बॉडी भेजी थी वो डॉक्टर ने मृत घोषित किया था। घटनास्थल और पूरी तफ्तीश तुरंत शुरू किया। 2-3 टीमों का गठन माननीय एसपी सर के मार्गदर्शन में किया गया।